देखिए बिहार मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य रहा है तो शहरीकरण की रफ्तार जो थी वैसे भी यहाँ कम थी और अगर आप पूरे राष्ट्रीय मानक पे देखने जाएं स्केल पे तो हम नीचे से दूसरे प्राधान पे आते हैं ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण कि शहरीकरण का जब हम अध्ययन करते हैं हमारे जैसे लोग जो अर्बन प्रॉब्लम्स चैलेंजेस को स्टडी करते हैं तो उसको एक, एक एक चीज़ आपके ध्यान में आती है कि शहरीकरण जो है वो इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है उसको कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उस शहरों का होना बहुत जरूरी है आज 2022 में सैतालीस करोड़ पॉपुलेशन सिर्फ हमारे शहरों की है और ये 34 परसेंट ऑर्गेनाइजेशन की रफ्तार है शहरीकरण तो बढ़ता जा रहा है वो रुकेगा नहीं एक ऐसी प्रक्रिया है कि वो बढ़ता ही चला जा रहा है करीब चौंतीस शहरीकरण की रफ्तार है भारत में तो 2000 लोग जब एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में रह रहे हैं तो आपके लिए उनके लिए बिजली पानी सड़क सैनिटेशन ये सारी समस्याएं है, चुनौतियां हैं सड़कें जो हमारी पतली सकड़ी होती चली जा रही हैं उन सिकुड़ती जा रही हैं है। उसके चौरीकरण उसके विकास उसके सौंदर्यीकरण और उस पर से इंक्रोचमेंट हटाना ये भी बहुत जरूरी है एकमात्र शहर है जिसपे पूरे स्टेट का पूरे राज्य का प्रेशर पड़ रहा है पटना के ऊपर तो अब लोग पढ़ने भी यहाँ आना चाहते हैं कोर्ट कचहरी के, के, के लिए भी आते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी आते हैं के लिए भी आते हैं हमने कह दिया एक बार कि भारत गाँव का देश है गांधी जी ने किसी जमाने में कहा मैं आ, मानता हूँ जो उस समय की सच्चाई थी लेकिन अब भारत का गांव भारत गांवों का देश रहते हुए भी भारत शहरों का भी देश है नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव बिहार मैं आपके साथ रूपम हर कोई चाहते हैं कि हमारा शहर सुंदर हो लेकिन सपना तो हर किसी का है लेकिन कैसे हमारा सुंदर शहर बने कैसे अपना शहर बने और स्मार्ट सिटी की बात करें अगर बिहार में तो बिहार स्मार्ट सिटी भी बनने जा रहा है लेकिन कितना दूर तक यह सही है क्या बन पाया है नहीं बन पाया है आज हमारे साथ डॉक्टर मिहिर भोले जुड़े हुए हैं और जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट डिज़ाइन अहमदाबाद से हैं और ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि शहरीकरण के जो समस्याएं हैं उस पर इनका शोध हुआ है शोध किए हैं और इन्हीं से हम बात करते हैं सबसे पहले तो सर आपका लाइव बिहार में बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार बहुत धन्यवाद सर मुझे ये बताइए कि शहरीकरण के चुनौतियों को आप किस प्रकार से देखते हैं देखिए शहरीकरण की चुनौतियों को अगर आप देखने जाएं तो मुख्य रूप से इसको तीन बिंदुओं पे आप विभाजित कर सकते हैं एक तो उसकी जो अपनी लेगेसी की प्रॉब्लम है यानी जो विरासत में शहरों को जो मिला है दूसरी उसकी वर्तमान की समस्याएं हैं कि अभी जिस हालात में हम जी रहे हैं और भविष्य के लिए उसकी क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं तो ये पूरे भारत को या पूरे विश्व को भी अगर आप देखेंगे तो हर शहर एक लेगेसी प्रॉब्लम जो उसके जो भूतकाल से आता है और उसके वर्तमान की चुनौतियाँ और भविष्य में कैसे वो अपने आप को तैयार करता है इन तीन चुनौतियों में ही मुख्य रूप से विभाजित होता है हम भी उसी को के साथ जूझ रहे हैं आपने क्या पाया? हाँ ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है आपका उसके अंदर ये एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि अब जो भूतकाल में जो हो गया जिस किस्म से हो गया वो तो बात अलग है हमको मुख्य रूप से ध्यान देना है कि शहरीकरण तो बढ़ता जा रहा है वो रुकेगा नहीं एक ऐसी प्रक्रिया है कि वो बढ़ता ही चला जा रहा है करीब चौंतीस प्रतिशत शहरीकरण की रफ्तार है भारत में और वो जब बढ़ेगा तो हमको भविष्य के बारे में सोचना है और भविष्य के बारे में हमारी जो भविष्य की चुनौतियां हैं उसके बारे में सही मायने में भी हम बहुत तैयार नहीं हैं हालाँकि तैयारी चल रही है स्मार्ट सिटी से लेके और अर्बन रिजुविनेशन के कई सारे केंद्र सरकार बिहार सरकार सबके कार्यक्रम हैं लेकिन अभी उसके लिए और बहुत तैयारी की जरूरत है हमको अच्छा बिहार में अगर शहरीकरण की बात करें तो उसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे देखिए बिहार मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य रहा है तो शहरीकरण की रफ्तार जो थी वैसे भी यहाँ कम थी और अगर आप पूरे राष्ट्रीय मानक पे देखने जाएं स्केल पे तो हम नीचे से दूसरे पायदान पे आते हैं ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है अच्छा। कि नीचे से दूसरे पा हमारे ठीक नीचे हिमाचल आता है लेकिन वो एक हिली स्टेट है तो वहाँ की समस्या अलग है चैलेंज अलग है तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा एकमात्र शहर पटना जो यहाँ की राजधानी है अब उस पर पूरे बिहार का लोड जो है प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है दो तीन और चूंकि अब शहरीकरण का मसला है तो बिना डेटा के हम इस पर बात नहीं कर सकते करीब सोलह लाख की हमारी आबादी है रियल टाइम पॉपुलेशन बीस लाख के करीब आप 18 बीस लाख आप लेके चलेंगे एक तो ये दूसरा ये है कि एक थोड़ा सा सीमित शहर है अपने आकार के मामले में जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से करीब 250 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है और उसमें जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है यानी पर किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जितने लोग रह रहे हैं बहुत ज़्यादा है करीब करीब 1800 कुछ कुछ यानी आप 2000 रख लीजिए तो 2000 लोग जब एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में रह रहे हैं तो आपके लिए उनके लिए बिजली पानी सड़क सैनिटेशन ये सारी समस्याएँ चुनौतियाँ हैं हम समस्या तो डिज़ाइन में समस्या शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते लेकिन चुनौती की बात करते हैं चुनोती क्योंकि चुनौती होती है तो हम उसका सामना करने के लिए तैयार करते हैं तो ये सारी, तो सारी तो अब ये आपने कहा कि चुनौती है तब ये चुनौती को कैसे समाधान करेंगे लीजिए हाँ। अब चुनौती दो तीन स्तर पे एक तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि हमारे संसाधन क्या हैं और उससे भी ज़्यादा जरूरी है शहरीकरण के लिहाज से कहीं भी वो सिर्फ बिहार पर लागू नहीं होता पूरे देश में पूरे विश्व पर लागू होता है हम जब डिज़ाइन में बात करते हैं शहरीकरण की समस्याओं की या किसी भी समस्या की चैलेंज की तो हम कहते हैं टर्म इस्तेमाल करते हैं पीपुल सेंट्रिक अप्रोच यानी लोग क्या चाहते हैं तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि उस शहर में रहने वाला जो बाशिंदा है उसके नजरिए से हम शहर की समस्याओं को समझना समझने की कोशिश करें कि उसको फ्लाईओवर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो डिमांड कर रहा है या सड़कों के चौड़ीकरण की डिमांड ज़्यादा कर रहा है वो उसकी पहली प्रायोरिटी मेट्रो है या बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या वो सड़कों पर से जो इनक्रोचमेंट हमारे हो गए हैं सड़कें सिकुड़ती जा रही हैं उनको चौड़ा करना ये पहली प्रायोरिटी है और आपको जान के ताजुब होगा आश्चर्य भी होगा कि जब हमने ये सर्वे किया रिसर्च किया फ़ील्ड में जाके तो हमारे जो रिस्पोंडेंट्स थे जिनसे हमने सवाल पूछे तो उन सारे लोगों ने ये कहा कि ये हमारे लिए मेट्रो भी हमको चाहिए चूँकि वो आधुनिकता की ज़रूरत है हमारे भविष्य की ज़रूरत है और हमको दूसरे रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी ज़रूरत है लेकिन सड़कें जो हमारी पतली सकड़ी होती चली जा रही हैं उन सिकुड़ती जा रही हैं उसके चौरीकरण उसके विकास उसके सौंदर्यीकरण और उस पर से तो इंक्रोचमेंट हटाना ये भी, भी बहुत ज़रूरी है और पटना तो इंक्रोचमेंट के मामले में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आप आप तो अहमदाबाद से जब आए होंगे, आप फ्लाइट से आए हों। अगर से आए होंगे तो से उतरते ही आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारी अगर आप, आप इनकम टैक्स चौराहा स्टेशन से ठीक है ठीक आप बाहर जब निकलिएगा वहाँ तो दिक्कत है परेशानी है और उसके लिए एक प्रॉपर अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट की तरफ कि जो आपकी बसें हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की या जो लोकल ट्रांसपोर्ट की अब वो जाम कर देती हैं सड़कों को ऑटो वाले जाम कर देते हैं रिक्शा वाले तो ये ट्रैफिक वेकुलर मूवमेंट को भी हमको डिज़ाइन करना है ये सारे डिज़ाइन के प्रॉब्लम हैं अर्बन डिज़ाइन की समस्याएँ हैं ये और अर्बन डिज़ाइन के बारे में हमको बहुत ही सचेत होने की ज़रूरत है क्योंकि एकमात्र शहर है जिसपे पूरे स्टेट का पूरे राज्य का प्रेशर पड़ रहा है पटना के ऊपर तो अब लोग पढ़ने भी यहां आना चाहते हैं कोर्ट के चेहरे के, के लिए भी आते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी आते हैं एंटरटेनटेनमेंट के लिए भी आते हैं खरीदारी के लिए आते हैं नौकरी की खोज में आते हैं तो आपका एक्चुअल पॉपुलेशन कुछ और है जो इस शहर के बाशिंदे हैं और रियल पॉपुलेशन उससे ज्यादा होता है हो हैं। तो बहुत बड़ी बात हाँ हैं। तो अब इसके बीच में हम जब नीति निर्धारण करें प्लानिंग करें अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो हमको उस एक्चुअल पॉपुलेशन uh, जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं वो शहर में आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है mm. तो उसको बाथरूम भी चाहिए टॉयलेट भी चाहिए उसको बसें भी चाहिए सारी चीज़ें चाहिए mm. कैसे मुहैया कराएँ और जो रहने वाले बाशिंदे हैं उनके लिए सैनिटेशन का सवाल है शहर में सफाई अब आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत काम हो रहा है इस पर mm. और विशेष रूप से ये स्वच्छ भारत का जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है mm. पूरे देश भर में तो पटना में भी बहुत असर पड़ा है इसका और ख़ास करके वो जो गाड़ी आती है छोटा हाथी तो कचरा घर घर से बटोरना सेग्रीगेट करना तो इन पे काम हो रहा है मुझे लगता है इसको और बेहतर और एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है जिसके लिए डिज़ाइन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ये मेरी फाइंडिंग है पूरे रिसर्च की कि इस अर्बन प्रॉब्लम चैलेंजेस को डील करने के लिए हमको डिज़ाइन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इन तीनों को इकट्ठा करना पड़ेगा सर आ, मेरा एक और सवाल है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आ, सारे लोग हर काम के लिए पटना ही पहुंच जाते हैं तो जो इसका रियल जनसंख्या है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है तो अब पटना ही एकमात्र जगह है जहां पर बिहार में हर चीज़ के सुविधा मिलता है तो लोग यहां पहुंचते हैं तो अब दूसरा ऑप्शन क्या है मतलब क्या कोई और भी शहर को डेवलप करने की ज़रूरत है कि लोग वहाँ वहाँ भी पहुँचे तब जाकर फिर जो स्वच्छ होना चाहिए साफ़ सुथरा होना चाहिए वो फिर हमारा ये शहर ये ये बहुत 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 प्रश्न आपने मूलभूत प्रश्न किया है और मुझे बहुत खुशी है इसके तरफ ध्यान जाना चाहिए कि पूरा लोड जो है हमारे करीब ये जो पॉपुलेशन है पूरे बिहार की जो आबादी है वो एक शहर में ना हो बल्कि वितरित हो जाए और उसका दूसरा एडवांटेज मैं आपको उसकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करूँगा कि शहरीकरण का जब हम का अध्ययन करते हैं हमारे जैसे लोग जो अर्बन प्रॉब्लम्स चैलेंजेस को स्टडी करते हैं तो उसको एक 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 चीज़ आपके ध्यान में आती है कि शहरीकरण जो है वो इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है उसको कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उस शहरों का होना बहुत जरूरी है अब आप देखिए कि पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो 34 परसेंट अर्बन पॉपुलेशन है कुछ और आंकड़े मैं आपको दूंगा चौंकाने वाले तभी आप इसको ठीक से दर्शक भी समझ पाएंगे उन्नीस में जब भारत आजाद हुआ था तो हमारी पूरी आबादी पैंतीस करोड़ की थी पूरे भारत जिसमें गाँव शहर दोनों शामिल थे आज 2022 में सैतालीस करोड़ पॉपुलेशन सिर्फ हमारे शहरों की है और ये 34 परसेंट ऑर्गेनाइजेशन की रफ्तार है अब आप समझिए कि ए और ये चौंतीस सैंतालीस करोड़ जो है ये कई यूरोपियन देशों को मिला करके उसके पॉपुलेशन से ज्यादा हो जाता है और ये बढ़ता जा रहा है तो ये चौंतीस है पचास होने की संभावना है बहुत जल्दी आप इसके लिए कितना प्रिपेयर है तो और दूसरी चीज ये है कि इकॉनॉमी के ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक ज़्यादातर तो लोग शहरों में इसलिए आते हैं उनके आर्थिक कारण होते हैं मूल मूल रूप से रोजगार की तलाश में आना शहरों का के विकास का मूल आ, प्रोसेस है तो उसके लिए लोग आते हैं उसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है हमारा जो जो वेल्थ जो क्रिएट होता है जो धन अर्जित करते हैं वो पूरे समाज में फैलता है तो शहरों पे ध्यान देना पड़ेगा हमने कह दिया एक बार कि भारत गांवों का देश है गांधी जी ने किसी ज़माने में कहा मैं मानता हूं जो उस समय की सच्चाई थी लेकिन अब भारत का गांव भारत गांवों का देश रहते हुए भी भारत शहरों का भी देश है तो इसकी जरूरत को हमको समझना पड़ेगा और प्लानिंग के लेवल पे पॉलिसी के लेवल पे पॉलिसी मेकर्स को भी सोचना पड़ेगा पॉलिटिशियंस को भी सोचना पड़ेगा डिजाइनर्स को अर्बन प्लानर्स को आपने एक बात आ, मेरे मैं बिहार में रह रही हूँ तो मुझे जो परेशानियाँ हो रही है उसके अनुसार मेरा मेरे जहन में एक और सवाल उठ रहा है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि हर चीज़ का पहले प्लानिंग होती है तो क्या पहले प्लानिंग करके ये सड़कें वगैरह नहीं बनाई जाती है क्योंकि एक ही सड़क को बार बार खोदा जाता है नल आ, मतलब नाला सही तरीके से नहीं हुआ पानी जम हो रहा है फिर उसको खोद दिया जाता है फिर वो रोड का काम थप फिर रोड का ये होता है टेंडर पास होता है फिर रोड बनते हैं फिर नाले बनते हैं आ, तो इससे काफी प्रॉब्लम होती है ये ये बात जो है आपकी बहुत सही बात है और ये अगर सही मायने में मैं कहूँ तो ये सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है गुजरात जैसे विकसित राज्यों की भी यही समस्या है तो पंजाब है, है, तो तो की अब के लोग इतने टेक्निकल रूप से हर तरह से डेवलप कर गए लेकिन फिर भी उनको ये नहीं पता मुझे लगता है कहीं पे हमारी सोच जो है ना बहुत छोटे संदर्भ में चीजों को देखती है यानी हम दस साल पंद्रह साल के बारे में देखते हैं जबकि शहरीकरण के बारे में अगर हम सोचे तो हमको कम से कम पचास और सौ साल का पर्स्पेक्टिव लेके चलना पड़ेगा शहरों में आप रहेंगे तो आप आपके खर्चे, खर्चे बढ़ेंगे तो क्या आप इस बात को तैयार हैं कि आप वो खर्च वहन कर सकें हाँ तो अब इस पर जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है उस पर आमतौर पर विदेशों में भी लोगों से जब ये सवाल किया गया कि टेक्नोलॉजी अब आगे खर्चा बढ़ेगा तो आप खर्च बर्दाश्त करेंगे तो ज़्यादातर लोगों ने उस पर थोड़ा सा दिखा कि नहीं संकोच तो हमारे यहाँ भी वो संकोच था लेकिन अगर हम दोनों डेटा को मिला लेंगे जिनका संकोच था जो तैयार थे तो ज़्यादा जो संकोच के साथ तैयार थे और जो बिल्कुल तैयार थे उस डेटा को मिलाएं तो करीब करीब सत्तर प्रतिशत लोग इस बात के लिए तैयार थे कि भाई अगर हमको थोड़ा पैसा ज़्यादा दे के और ज़्यादा सहूलियत मिल रही है तो हम उसके लिए तैयार जी तो हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कि अहमदाबाद से यहाँ पटना हैं और इन्होंने जिस तरह से बताया कि किस तरह से हमारा स्मार्ट सिटी होना चाहिए जो आपने देखा है सपना कि सुंदर शहर हमारा हो अपना हो वो कैसा होना चाहिए एक चीज़ जो इन्होंने कहा है वो मैं भी मानती हूँ कि आप हर चीज़ में सरकार की गलती ध्वस्त ढूंढते हैं हर चीज़ में कुछ हो ये सरकार की अगर कचरा भी नीचे गिरा हुआ हो तो सरकार की है उठा के नहीं ले गया ये आपका भी काम है कि उस वहाँ उस जगह पे आप कचरा ना फेंके अपने शहर को साफ सुथरा रखने का काम आपका भी है चलिए जिन जिस तरह से ये ओपिनियन दे रहे हैं बता रहे हैं कि पहले हर चीज को पहले एक प्रोजेक्ट जैसा एक तैयार करना चाहिए कि किस तरह से हमारा काम हो उसके लिए हर चीज पहले से ही तैयार करना चाहिए चलिए फिलहाल के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ धन्यवाद लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें